लोकसभा का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में आज चुनावी महासंग्राम में हमारे साथ है पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष और भाजपा के ज्येष्ठ नेता अविनाश ठाकरे जी। नमस्कार सर। अविनाश जी, भाजपा की ओर से नितिन गडकरी को उम्मीदवारी दी गई है, ऐसे में क्या तैयारी की जा रही है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और आदरणीय नितिन जी गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके माध्यम से जो कुछ विकास काम पिछले 10 साल में हुए हैं समूचे देश में और खासतौर से नागपुर में, एक करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के डेवलपमेंट वर्क इस शहर में हुए, तो सारा विकास दिखता है। इसलिए लोगों के मन में नितिन जी की उम्मीदवारी थी, अब टेक्निकल वजह से वो डिक्लेयर नहीं हो पाई थी, तभी लोगों की भावनाएं बाहर आ गई थी। तो तैयारी ऐसी है कि लोगों को बस चुनाव की जो डिक्लेरेशन वो होनी थी वो हो गई और अब लोगों को ये लग रहा है कि कब जाके हम नितिन जी को वोट देते। बस तैयारी यही है कि जो टेक्निकल व्यवस्था है चुनाव की, जो वोटर को उसका वोटिंग लिस्ट नंबर देना पड़ेगा, उसका सेंटर नंबर देना पड़ेगा, इसके लिए जो व्यवस्था है वह व्यवस्थाएं जो है वो व्यवस्था खड़ी करने की तैयारी बहुत जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। अभी तक कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार नहीं दिया गया है, आपको क्या लग रहा है इतना विलंब क्यों हो रहा है? कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए विलंब हो रहा है। और समूचे नागपुर से यही मांग उठ रही है कि सभी पार्टियों ने मिलकर नितिन जी को अविरोध चुन के देना चाहिए। और कांग्रेस के भी, मुझे लगता है कांग्रेस के भी सारे प्रत्याशियों की यही इच्छा है कि नितिन जी के सामने खड़े रह के नागपुर का विकास को रोड़ा क्यों बने, इसलिए उनके तरफ से कोई उम्मीदवार फाइनल नहीं हो रहा। डेली एक नाम आता है फिर वो पीछे पड़ जाता है, जिसको भी वो पूछ रहे कि आप चुनाव लड़ते क्या, उसका नाम फाइनल करते तो वो लोग मोबाइल स्विच ऑफ करके कोई बैठ जाता है, कोई डिनाय करता है। तो जब उम्मीदवारी नहीं है तो वो डिक्लेयर कहां से करेंगे, इसलिए उनका विलंब। सर, भाजपा की ये कौन सी थ्योरी है कि विरोधकों के आरोप को ही प्रचार का शस्त्र बना लेते हो? नहीं, थ्योरी नहीं है। अगर वस्तुस्थिति जो है, वस्तुस्थिति के विपरीत अगर आरोप रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके स्लोगन बन जाते हैं। जैसा अभी मोदी जी बार बार कहते कि ये भारत के 140 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है, उनके मन में चार जाति है, गरीब, महिला, किसान और युवा, और ये बार बार वो कहते रहते हैं। और उसके ऊपर अगर कोई जाके कहे कि ये मोदी जी का परिवार नहीं है, तो जब वो पिछले 10 सालों से अपने सारा का सारा परिवार इस देश को मान रहे और कोई आके उठ के कहते कि उनका कोई परिवार नहीं, तो उसका स्लोगन बनी जाएगा, इसलिए ऑटोमेटिकली मोदी जी का परिवार बन जाता है। लोग ही कहते हैं हम मोदी जी के परिवार के सदस्य, तो इसमें कोई हम लोग ऐसी कोई थ्योरी नहीं लगाते। वो लोगों के मन की भावना है जो उमड़ कर आती है और वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बार बार प्रतीत भी होता है कि लोग ही इस तरीके से स्लोगन करते हैं और लोग ही विरोधियों के विरुद्ध में इस उनकी जो सेंटेंस है उसको प्रचार का माध्यम बनाते हैं। आप भी एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हो, तो मराठा समाज आंदोलन का क्या असर इस बार दिखाई देगा? देखिए, मुझे लगता है चुनावी प्रक्रिया में रिजर्वेशन के जो या कास्ट के जो समीकरण है वो बहुत ज्यादा चलते नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन जो है वो एक दिन का आंदोलन नहीं है, पिछले 50-60 सालों से चल रहा है और इस बीच में कई सरकारें आई है, कई बार ये आंदोलन चला है और अभी तक कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि किसी सरकार, कोई सरकार इनकी वजह से गिरी या किसी सरकार के विरोध में वोटेंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, सोशल सिस्टम अलग है। सोशल सिस्टम अपनी डिमांड रखती है, पॉलिटिकल सिस्टम उसको पूरी करने की कोशिश करता है। और भाजपा के साथ तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं, दो बार मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया है, तीन बार दिया मैं तो कहूंगा। एक तो फर्स्ट टाइम देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मराठा समाज को 16% रिजर्वेशन दिया, फिर हाईकोर्ट में गया वो 12% उनको कंटिन्यू किया, और जब तक देवेंद्र जी सत्ता में थे, जब तक भाजपा सत्ता में थी, तब तक वो रिजर्वेशन कायम था। सत्ता बदल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खामियां निकाली, वो खामियों के ऊपर उन्होंने उस रिजर्वेशन को खारिज किया। फिर हमारी सरकार आई, फिर हमने कोर्ट ने जो खामियां उठाई थी वो खामियों को लेकर फिर से हमने कमेटी बिठाई हमारी सरकार ने, ओबीसी पिछड़ा आयोग की एक कमेटी बिठाई, उसके माध्यम से 2 करोड़ लोगों के बीच में जाकर सर्वे किया और वो सर्वे की जो कुछ फाइंडिंग्स के साथ में रिजर्वेशन दिया। अभी आप देखिए ना, हाईकोर्ट में कोई गया है लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मना किया, रिजर्वेशन एज इट इज रखा है। तो हमने दो बार मराठा समाज को रिजर्वेशन दी, हमारी मंशा है
कि हर समाज का विकास हो, हर समाज के साथ में न्याय हो, इसलिए हम हर समाज के साथ में खड़े रहते हैं। इसलिए जो भी नुकसान होना है वो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, शिवसेना और शरद पवार जी की राष्ट्रवादी को होगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी मराठा आरक्षण का फेवर नहीं किया। आपको मालूम है जब मराठा समाज के बड़े बड़े मोर्चे निकले थे तब संजय राउत साहब ने क्या कहा था। आपको मालूम है जब मराठा समाज की आरक्षण की बात शरद पवार जी से की थी उन्होंने क्या कहा था, और कांग्रेस ने भी इसके पहले किस तरीके से उनके साथ में व्यवहार किया आपको मालूम है, उनको भी मालूम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसा उसका कोई वोटिंग के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग के ऊपर उसका कोई असर नहीं आएगा। जो भी नुकसान होगा वो विरोधी दल का होने वाला। तो ये थी भाजपा के ज्येष्ठ नेता अविनाश ठाकरे। चुनावी महासंग्राम में आज बस इतना ही। ऐसे ही और अतिथियों के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।